नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती बर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नया वीडियो नया टॉपिक लेकर, और आज की वीडियो का टॉपिक है कि दोस्तों पॉटचूल्हा मॉसरोस में फ्लावरिंग ख़त्म हो रही है और सीड्स बन रहे हैं, तो फिर हमें उसको क्या करना चाहिए। तो आज प्रूनिंग और सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में बने रहे लास्ट तक के और पूरा वीडियो मेरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे रोसमोस है, इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और दोस्तों कलियाँ भी अभी तैयार हो रही हैं, कलियाँ भी बनी हुई है। ये सारे हमारे रोसमोस है। तो दोस्तों मैं बताऊं कि ये देखिए हमारे पॉटचूल्हा रोसमोस दोनों में फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए। और ये पॉटचूल्हा इसमें भी दोस्तों फ्लावरिंग हो रही है, और दोस्तों इतनी सारी फ्लावरिंग हुई थी कल, आप देखिए कितने सारे इसमें ये बट्स बने हुए, कितने सारे फूल आए हुए थे, बहुत सारे फूल आए थे दोस्तों। अब ये फूल दे दे के थक गया दोस्तों, कहने की बात ये है। तो अब इसमें सीड्स तैयार होने लगे हैं। तो दोस्तों सीड्स अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, और नहीं तो वैसे तो ये कटिंग के द्वारा प्रोपोगेट बहुत ही अच्छे से होता है, सीड्स इतना होता नहीं है, लेकिन आप अगर कटिंग से लगाओ तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये सीड्स बनाने लगा है। जब ये सीड्स बनाने लगता है तो दोस्तों इसमें फूल देना कम कर देता, बहुत ही कम कर देता है, क्योंकि फूल दे दे के दोस्तों ये सीड्स बनाने लगता है। ये अब मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये इसमें सीड्स बन रहे हैं, ये देखिए अब बारीक बारीक दिख रहे होंगे, ये देखिए सीड्स। तो दोस्तों जब ये सीड्स तैयार हो जाते हैं तो फिर यहाँ से फ्लावरिंग बंद हो जाती है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, कि अभी समय है, काफ़ी फैल गए हैं। देखिए ये मेरा तीसरी बार मैं प्रूनिंग कर रही हूँ दोस्तों, मैंने दो बार पहले कर चुकी हूँ, फिर इतने इतने बढ़ गए थे, और अब हमको क्या करना है, सेव भी करके रखना हमारे प्लांटों को, तो हमें एक बार प्रूनिंग और कर देना है, क्योंकि ये जो सीड्स बन रहे हैं तो ये हमारे प्लांट की ग्रोथ रोक रहा है। वैसे तो दोस्तों अगर सर्दियों में भी दिन भर अगर हम धूप में रखेंगे तो सर्दियों में भी फूल बने रहते हैं दोस्तों, मेरे गार्डन में तो हमेशा फूल बने रहते हैं, क्योंकि मैं दिन भर की धूप में, सुबह से जो धूप आती है दोस्तों, तो शाम को जब शाम को सूरज डूबता है तभी यहाँ से छांव ख़त्म होती है 6 बजे तक, सुबह 7 बजे जब से सूरज उगता है तो डायरेक्ट धूप आती है और शाम तक। अगर ऐसे समय में, ऐसे क्लाइमेट में और ऐसी धूप में अगर हम रखेंगे तो दोस्तों सर्दी भर भी इसमें फूल आते रहेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ दोस्तों, कि मैंने दो बार तो इसकी प्रूनिंग कर दी है, काफ़ी अच्छे से फूल आए हैं और अभी भी फूल आ ही रहे हैं अगर नहीं करूँगी, लेकिन सभी में देखिए दोस्तों, सभी जितने भी मेरी ब्रांचेस है सभी में फूल, ये सीड्स बन रहे हैं, ये देखिए ये सारे इसमें सीड्स बन रहे हैं। तो इसलिए मुझे क्या करना है, कि मुझे प्रूनिंग करना है। तो अगर आपके भी प्लांट में ऐसा कुछ हो रहा है, सीड्स बन रहे हैं, या तो आप ये सीड्स को ग्रो करना चाह रहे हैं तो ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए जो जो सीड पॉट है ना, ये सीड पॉट है दोस्तों, इसी के अंदर सीड्स बन जाते हैं। जब ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, जब इसको हम तोड़ लेते हैं तो सीड्स ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए ये सीड पॉट का है, ये इसमें ये जो बारीक बारीक दिख रहे हैं ये सीड्स हैं दोस्तों, ये देखिए, तो बहुत ही बारीक, जैसे हमारे पिटूनिया के सीड होते हैं ना, इस प्रकार सीड होते हैं बारीक। तो मुझे सीड्स नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसकी प्रूनिंग कर दूँगी, इसको छांट दूँगी दोस्तों। छांटना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम प्रूनिंग कर देंगे दोस्तों तो ये और घना होगा दोस्तों। ये इतना घना नहीं था, ये पॉट मैंने इसी साल तैयार करे हैं, लेकिन इतना घना नहीं था, मैंने सिर्फ इसमें कटिंग लगाई थी, कटिंग 1-2-4 थी, लेकिन मैंने इसकी एक बार प्रूनिंग कर दी, उसके बाद में फिर मैंने 2-3 महीने बाद में
फिर से प्रूनिंग कर दी और अभी देखिए कितना घना हो गया, ये पूरा पॉट भर गया है और फिर से इसमें सीड्स से तैयार होने लगे, तो मैं इसकी प्रूनिंग कर दूँगी। देखिए दोस्तों, कैंची से लेके आप ऐसे शेप में इसको काट दीजिए चारों तरफ से, ऐसे चारों तरफ से आप काट दोगे तो बहुत ही अच्छे से सेफ होगा और ये हमारे लिए अच्छा है कि हमारा प्लांट भी बुशी हो जाएगा और हमारा प्लांट शेप में आ जाएगा। तो मैं इस प्रकार सारे प्लांटों को मैं कर दूंगी। देखिए मैंने सारे प्लांट को किए हैं, ये देखिए जितने भी मेरे रोज मोस के हैं ये सारे मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है। अब ये दोस्तों फिर से ये अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेगा और खूब अच्छे से हमारी सारी बास्केट भर जाएगी। ये दीवार पे दोस्तों मेरे यहाँ बहुत ही धूप आती है, तो मैंने सारे जितने भी रोसमोस पोर्चुला, ये देखिए अभी भी इसमें फूल बने हुए थे, काफ़ी फूल आ रहे थे दोस्तों, ये देखिए सभी में फूल आ रहे हैं अभी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से खूब घना हो जाएगा और हमारा पूरा पॉट भर जाएगा, ये देखिए। और दोस्तों मैंने क्या किया है, जो जो नाम का मतलब जिस कलर का दोस्तों ये फ्लावर था, कलर था, उसके मैंने ये लिख दिया है। देखिए ये देसी पिंक है और इसमें भी देखिए ये ऑरेंज है, पीला है, और ये देखिए ये भी पिंक कलर का, डार्क पिंक का है। तो मैंने दोस्तों सभी में नाम लिख दिया, ऐसे आप भी कर सकते हैं। और फिर ये जो इसकी कटिंग निकलेगी दोस्तों, उसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और सामने हमारा खेत है दोस्तों, तो खेत भी जुट गया है, सोयाबीन या जो भी फसल लगाई जाएगी तो यहाँ पर लगाई जाएगी दोस्तों। अभी तो पूरी काली मिट्टी है। फिर दोस्तों ये जो कटिंग है, ये कटिंग आप लगा सकते हैं। देखिए सभी में कलियां बनी हुई थी दोस्तों, हर एक, क्योंकि मैंने इसकी कटिंग कर दी थी तो दोस्तों इतना बुशी हो गया था, ये देखिए एक एक ब्रांच में इतनी इतनी सारी ब्रांचेस निकली थी। तो दोस्तों अब फिर से हो जाएगी और फिर हम इस कटिंग को लगा देंगे तो हमारे पास और इसी कलर का ढेरों प्लांट हो जाएंगे। ये कुछ नहीं करना, बस नीचे से इतनी 4-5 इंच की इसमें पत्ती हटा देना और ऐसे के ऐसे ही लगा देना है। ये देखिए कोई सी भी आप मिट्टी में, जो या तो आप सैंड में लगा दीजिए, सैंड में भी हो जाएगा, और जो हमारे गमले की मिट्टी है, सैंडी मिट्टी होती है, इस प्रकार आप लगा दोगे तो दोस्तों बहुत ही ईजी से, बहुत ही जल्दी से इसकी कटिंग लग जाती है। इतने कम दिनों में, 3-4 दिन में इसकी रूट्स आ जाती है दोस्तों। ये देखिए सारे प्लांट हमने प्रूनिंग कर दिए हैं और ये फिर से कलियां भी आ रही है दोस्तों। तो प्रूनिंग करने के 15 दिन 1 महीने बाद में दोस्तों फिर से इसमें ढेरों ब्रांचेस बनेगी। और फिर दोस्तों आप क्या कीजिएगा, अभी खाद वगैरह तो ना दीजिए, लेकिन हाँ लिक्विड फॉर्म में अगर आप कोई फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो दोस्तों इसमें दे सकते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में देंगे तो बहुत ही अच्छे से ये सर्वाइव होता रहेगा और धूप मिलती रहेगी तो इसमें ऑलरेडी फूल खिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।